सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्ते। मैं अंजू देवी बोटोला आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों दिन की शुरुआत तो मैं सुबह से होगी, लेकिन ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे से किचन से। और टाइम हो रहा है अभी दोपहर का 12 बज रहा है, और हमारे इधर आज लाइट चली गई तो ये पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। अब मेरा बन रहा है अभी दोपहर का लंच, क्योंकि मेरे को अभी लड़की को भेजने के लिए जाना है स्कूल, क्योंकि लड़की का एग्ज़ाम है 1 से 2 आज, 1 घंटे का है। तो मैं शायद प्रवेश जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। और घर आना जाना कौन करेगा 1 घंटे में। बाहर धूप से हालत ख़राब हो रही है, मुंबई में इतनी गर्मी पड़ गई है, हालत ख़राब हुई। 10 बजे के बाद तो लोग बाहर ही नहीं जा सकते हैं, पैदल तो कैसे जाने, तो छाता लेके जाना, इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन जाना तो है, काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी बना रही मैं दोपहर का लंच, तो बने रहे आप मेरे के लंच में। बना रही हूँ मैं लोबिया, लोबिया बन गया मेरा, इधर लोबिया बना के रख दिया, और इधर कढ़ाई में बनाया मैंने लौकी की भाजी। और अब रखा है मैंने प्रेशर में भात रख दिया, क्योंकि भात बन जाएगा, भात क्योंकि दाल भाजी बन गई, भात बनेगा उसके बाद आटा गूंद के रखती हूँ, क्योंकि मुझे रोटी ही खानी है। भात खा के मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए मैं इसके बाद मैंने भात चढ़ा दिया, आटा गूंदती हूँ। उसके बाद बर्तन पड़े हैं, अभी नाश्ते के बर्तन भी नहीं धोए, क्योंकि मैं सफाई करने पर लगी थी। मतलब 1 हफ्ते से मेरी सफाई ख़त्म नहीं हो रही है। तो चलो बने रहे आप मेरे साथ। अभी खुशी की कंघी करनी है, उससे पहले मैं पहले आटा गूंद देती हूँ। तो बात सोचो रे बाबू, ना ही तब से मैंने कंघी भी नहीं करी, बाल धोए, आजकल टाइम ही नहीं लगा, सफाई करती रही हूँ। एक रूम का सफाई कल किया, पूरे रूम हमारे से हो गए जो मिट्टी और पानी से, ऊपर वाले ने काम लगाए तो एक रूम करके साफ कर रही हूँ। तो बस आज के लिए एक रूम बचा था, मैंने बोला एक रूम आज करेगी साफ, क्योंकि बच्चों का आज लास्ट पेपर दे, प्रवेश तो आ गया पेपर दे के, जगदीश के आए पेपर देने के लिए कॉलेज, अभी खुशी जाएगी। मैंने बोला चल आज कर लेंगे, मैं एक रूम साफ, लास्ट रूम आज है साफ करने के लिए। तब बस हो गई मेरी सफाई। लेकिन क्या करें, आज क्या है कि लाइट चली गई, लाइट चली गई 10 बजे जगह होगी ना प्रवेश, 10 बजे, हाँ 10 बजे तक लाइट चली गई, हाँ। तो बोल रहे अभी 5 बजे आएगी, तो अभी इतनी गर्मी में सफाई करने में तो मर ही जाएगी, तो जब लाइट आएगी तो शाम को देखेगी, हो जाएगा छोटा सा रूम है। तब तक हम आटा गूंथे बात ही बढ़ जाए, खुशी में जाता मैं देख करूँगी खोल, ठीक है। 5 मिनट लग रहा मेरे आटा गूंथने में, क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, दीवानों को घस घस के ना सर हाथ में हालत खराब हो गई। हाथ गूंद अभी रिमोट मारो, दर्द हो रात में 6 महीने में हाथ में थोड़ा तो कम बैठी, हाथ में दर्द हुआ बैठी इतना ज़्यादा, बाप रे वो तो थे क्यों पर सिरा कभी नहीं आए थे मेरे नींद, तो आज रात 1 से मेरे नींद अभी बोल रहे ना, मैं 6:15 पर खुली ना, पर वैसे बाद नींद जवाब मैं झूठ आए अच्छा नींद खुली फिर देखी वो चोलू भैया, अरे बाप रे मैंने पर 7 बज गया, तब घड़ी पा दिया तो 6:15 उसको, हाँ प्रवेश बोल मैंने पूछो, प्रवेश बोल मैंने ना मैंने प्रवेश 7 बज गया, प्रवेश बोले मम्मी 6:15 हो रहे, क्योंकि मैं नींद क्या देर में खोली 6:15 हुए छो अचानक नींद क्या घर वाले भी बोली घर वाले ना सर उस बुनी आती होगी ना कि बुनी आती होता नहीं होती जब पाल लूंगा क्यों वालों को जब मेरे को बोले अपनी भाषा में क्यों बोल रही है, उनको समझ नहीं आई, जिसको समझ आएगा तो समझ ही जाएगा ना। पटक से मसाला बनाने को होता है ना, अब दाल में पटक से मसाला बनाया, भाजी बनाई, अब भात रखा चूल्हे में, क्योंकि दोपहर को बहुत गर्मी हो रही है, वैसे भी लाइट भी नहीं है, हाँ आ गई मैंने पहली सीटी मार दी है, 1 सीटी तो आ गई, 2-3 सीटी और मराती हूँ, भात ही बन जाएगा। बस मेरा आटा हो गया रेडी, हाँ दुख रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, बच्चे को अभी स्कूल जाना है तो मैं खुशी आटा गूंद देती थी, 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा काम कर रही, चला गया मैं खुशी को भेजने के लिए स्कूल, वो उधर से उसको भेज के आता है, अब जाते हैं हम फ्रंट में
मेरा बर्तन धो के हो गया, खाना बन गया, बर्तन धो के हो गया, खाना हम बाद में खाएंगे, सुबह नाश्ते के बर्तन है क्योंकि मैंने धोए नहीं, तो मेरे सफाई करने का बाकी था क्योंकि बच्चा देर से गया कॉलेज, तो बर्तन धो के हो गया। अब जाती हूँ मैं फूड मैक्स, क्योंकि मैं परवेज से खुशी को भेजने के लिए स्कूल, उसका है 1 घंटे का एग्ज़ाम, 2 बजे उसका छुट्टी होना है, तो मैं तब तक फूड मैक्स से सामान लेके आती है। मैंने उसको बोला था फूड मैक्स आना, तो उधर मेरा वेट कर रहा होगा, तो जाते हैं फूड मैक्स। तो बनिया आ गई मैं फूड मैक्स, अब जाती हूँ मैं अंदर फूड मैक्स में सामान लेंगे इधर से, ये भी नहीं लिया, यहाँ से लेंगे हम बटर, यह भी लाट जाएंगे जिसमें लगे लगे जनरेटर है, कौन सा अमूल बटर, इधर से मैंने मसाले ले लिए, अब जाएंगे इधर से। परवेश लेगा इधर से मैगी किलो, से आ गई मैं, मेरी हालत देखो पसीना से इतनी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद गई मैं भाजी लेने के लिए, तो भाजी लेके भी आ गई हूँ, बनाती हूँ मैं रोटी, उसके बाद जाना मेरे को लड़की को लेने के लिए स्कूल से। बने रहा अभी लगे मेरे को जोर की भूख लगी है, सुबह 2 पाव खाए थे, 2 दिन से मैं पाव ही खा रही हूँ, ऐसा लग रहा रोटी मिलती थी लेकिन बनाने का टाइम ही नहीं हो रहा है, रोटी बनाती हूँ। लड़का मेरे साथ सामान लेने के लिए आया था फूड मैक्स, सीढ़ी तक आया, बोलता है 1 सेकंड का राउंड मार के आता है, इतनी धूप में किधर जाए, बोलते नहीं मारता हूँ, अच्छी बात है। फोन आ रहा है किसका, क्या मारो किसका है, फोन आ रहा है पता नहीं किसका है, 2 बार आ गया मिस कॉल, किसका है भगवान जी, जिसको जरूरत होगी वो फिर से करेगा फोन, मेरे को तो लगी हाँ बोलो, अच्छा क्या बेटा सुबह से लगी हूँ, 6 बजे उठी थी सुबह, तब से लगी हूँ काम पे, काम ही पूरा नहीं होता, एक काम करो दूसरा काम करो, खाना उन्हें बनाया तो ये फूड मैक्स गई, वहाँ से आई रोटी बना रही है, उसके बाद लड़की को लेने जाती है, जाएगा तो ठीक है, ये कितनी बार जाएगा वहाँ, बहुत धूप हो रही वहाँ, छात्र लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी 2 राउंड हो गया बाहर का, बीमार हो जाएगा तो लेने की देनी पड़ जाएगी। हाँ पहले आप हाथ पैर धो लो, खाना खाओ, खाना अभी नहीं, तो थोड़ा आराम कर ले, मैं खाना खाती, मेरे को लगी भूख, मैंने बोला एक बार लिखाती, फिर मैंने घर में खाना बनाया, लौकी की भाजी बनाई है, इसलिए मेरे को बाहर नहीं खाना, आज मैंने लौकी की भाजी बनाई, उसमें डाली मैंने छाँस, जब जब गांव में थे तो बनाते थे, इधर लोग छाँस रायता खाएगा, पहले मैं रोटी खाती हूँ, रायता बना बोलो। तो मेरा खाना तैयार हो गया, हम खाना खाते हैं, खाने में बनाया लोबिया, लौकी की भाजी, भात और रोटी। चलो तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना, मिलते हैं अगली वीडियो में।